आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बुधवार 19 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप शरद खरे से समाचार सुन। न्यायालय ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड में मिली दान की राशि को राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष NDRF में स्थानांतरित करने का केंद्र को निर्देश देने से मंगलवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष में स्वेच्छा से योगदान किया जा सकता है, क्योंकि आपदा प्रबंधन कानून के तहत ऐसा कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। इस मुद्दे पर एक टीवी चैनल पर बहस के दौरान बीजेपी के पूर्व सांसद सुप्रीम कोर्ट पर भड़क गए। उन्होंने टीवी एंकर से बहस के दौरान कहा कि जज भगवान नहीं है और कई जज न्याय नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता उदित राज ने कहा कि कई ऐसे जज हैं जिनके सामने मैं कह सकता हूं कि उन लोगों ने न्याय नहीं किया है। फंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया तो आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को भगवान बना लिया। आप लोगों ने जजों को भगवान बना दिया। जज भगवान है, गलती नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा कि मैं नहीं जानता भगवान जजों को। इस पर एंकर ने कहा कि आपसे कोई नहीं कह रहा कि आप जजों को भगवान मानिए। एंकर ने कहा कि जिस दिन भगवान पर बहस होगी और आपसे मैं पूछूंगा तो आप भगवान को भी भगवान नहीं मानेंगे। इसलिए मसला जज को भगवान मानने या नहीं मानने का नहीं है, मसला इस समय पीएम केयर फंड का है। अदालत में आपको यकीन नहीं है, यह आपका निजी बयान है या कांग्रेस का बयान है? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2020-2021 में गेहूं की सरकारी खरीद से केवल 6 किसानों को लाभ हुआ। अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट द वायर को RTI से ये जानकारी मिली है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सरकार द्वारा किसानों से गेहूं की खरीदी हुई मात्रा 500 मीट्रिक टन या राष्ट्रीय राजधानी में गेहूं की कुल पैदावार की 1% से भी कम है। गेहूं की इतनी कम खरीद पिछले साल आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार द्वारा की गई घोषणाओं के बिल्कुल उलट है। पिछले साल सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की घोषणा की थी। इस योजना से दिल्ली सरकार को किसानों से केंद्र के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP से लगभग 2 गुने दाम पर अनाज खरीदना था। तब सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान किया था। सरकार ने कहा कि इस योजना के तहत गेहूं 2,616 रुपये प्रति क्विंटल MSP के हिसाब से खरीदा जाएगा, जबकि धान के लिए 2,667 रुपये तय किया गया। NCR में आज सुबह से हुई तेज बारिश के कारण हर तरफ सड़क पर पानी भर गया। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि निचले इलाकों में पानी भर सकता है। विभाग के अनुसार अरब सागर से दक्षिण पश्चिमी हवाएं और बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पूर्वी हवाएं NCR में बारिश करा रही हैं। गुड़गांव में भारी बारिश के कारण लोग अपने घरों में फंस गए और उन्हें निकालने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। गुड़गांव के कई अंडरपास में इतना पानी भर गया कि वहां से पानी निकालने के लिए भारी मशीनों को लगाना पड़ा। भारी बारिश के कारण कई सड़कों पर यातायात को पूरी तरह रोक देना पड़ा। गुड़गांव के सेक्टर 56 की तरफ जाने वाला अंडरपास पानी से लबालब भर गया था। यहां स्थिति यह थी कि आवागमन को ही रोकना पड़ गया। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र में हलचल तेज हो गई है। कोर्ट ने अभिनेता की मौत की जांच मुंबई पुलिस से लेकर CBI को सौंप दी है। इस पर फौरी तौर पर मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फैसले के बाद वे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने जा पहुंचे। दोनों के बीच मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। इसके बाद पुलिस कमिश्नर गृह मंत्री अनिल देशमुख से भी मिलने जा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र DGP सुबोध कुमार जायसवाल को भी मिलने बुलाया है। उधर सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव सरकार घिर गई है। सुशांत की मौत की जांच CBI को देने के फैसले के बाद BJP ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा मांगा है। वहीं NCP नेता और शरद पवार के पोते पार्थ पवार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्वीट कर लिखा,
सत्यमेव जयते। वे पहले भी सुशांत सिंह केस की जांच सीबीआई को सौंपने की वकालत कर चुके हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में शुरुआत से ही मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठते रहे हैं। भारतीय शास्त्रीय गायन के शिखर पुरुष पंडित जसराज के निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर बुधवार को अमेरिका से मुंबई पहुंचा। पंडित जसराज का अंतिम संस्कार मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। कार्डियक अरेस्ट से पंडित जसराज के निधन के बाद दुर्गा जसराज ने ही सभी को इसकी जानकारी दी थी। दुर्गा जसराज ने अपने संदेश में कहा था कि संगीत मार्तंड पंडित जसराज का अमेरिका के न्यू जर्सी में सुबह 5:15 बजे कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हो गया। उन्होंने कहा कि हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान कृष्ण स्वर्ग में प्रेम से उनका स्वागत करें, जहां पंडित जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय सिर्फ अपने भगवान के लिए गाएंगे। गुरुवार को मुंबई के विले पार्ले स्थित हंस शमशान भूमि पर उनका अंतिम संस्कार होगा। अधिकारियों ने बताया कि पंडित जसराज के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में कई विशिष्ट जन भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा उनके अंतिम संस्कार से पहले उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट्स जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट्स मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करवाने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95% से 99% तक सही साबित हुए हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA की बैठक में आज दिल्ली में होटलों को फिर से खोलने की मंजूरी दे दी गई। हालांकि साप्ताहिक बाजारों को अभी जहां ट्रायल के आधार पर फिर से खोलने की मंजूरी दी गई है, वहीं जिम फिलहाल बंद ही रहेंगे। कोरोना संकट के बीच राजधानी दिल्ली में होटल, साप्ताहिक बाजार और जिम्नेजियम फिर से खोलने पर फैसला लेने के लिए बुधवार को DDMA की बैठक बुलाई गई थी। उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी। मोदी सरकार ने देश के 3 एयरपोर्ट्स को लीज पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए देने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने समेत कई बड़े फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP के माध्यम से जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम में हवाई अड्डों को लीज पर देने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। फरवरी 2019 में प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद PPP मॉडल के माध्यम से अडानी एंटरप्राइजेस ने 6 हवाई अड्डों लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी के परिचालन के अधिकार हासिल किए थे। ये 6 हवाई अड्डे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के स्वामित्व में हैं। अडानी एंटरप्राइजेस ने 14 फरवरी 2020 को AAI के साथ 3 हवाई अड्डों अहमदाबाद, मंगलुरु और लखनऊ के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 27,86,999 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 6,80,574 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 20,52,736 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 53,164 हो गया है। जिन राज्यों में कोरोना संक्रमितों के एक्टिव मरीजों की तादाद 10,000 से अधिक हो गई है, उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 1,56,608 एक्टिव मरीज हैं। महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश में 86,725 एक्टिव मरीज, कर्नाटक में 79,782 एक्टिव मरीज, तमिलनाडु में 53,860, उत्तर प्रदेश में 50,242, बिहार में 27,612, पश्चिम बंगाल में 27,535, असम में 23,701,
तेलंगाना में 20,990, उड़ीसा में 21,382, केरल में 16,274, राजस्थान में 14,684, गुजरात में 14,312, पंजाब में 11,740, दिल्ली में 11,133 और मध्य प्रदेश में 10,521 एक्टिव मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बुधवार 19 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 20 अगस्त को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं, नमस्कार। आइए हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबसे पहले ब्राउज़र खोलिए, या तो आपके पास यूट्यूब होगा, यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च करिए, सर्च बटन पर टाइप कीजिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। जैसे ही आप ये करते हैं ये आपके सामने खुल जाएगा। इसके खुलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर साई SAI आपको ये दिखाई दे रहा है। लाल रंग का जो बटन आपको ये दिख रहा है, लाल रंग का, इसको आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद दाएं कोने पर जाइए, दाएं कोने पर ऑल पर्सनलाइज नन, इसमें आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल पर्सनलाइज बटन को प्रेस करेंगे, ऑल बटन दबाएं, जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन आपको लाल नहीं दिखाई देगा। आप सब्सक्राइब समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करते जैसे ही आप करेंगे, उसके बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया और साइन न्यूज़ पर जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होंगे वैसे ही बिना देर के आपको ये सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आने चालू हो जाएंगे। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सारे वीडियोस देख सकेंगे। आप इसका लाभ ज़रूर उठाइए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को कहिए वे भी सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।